ओम साई राम, जय साई राम। मैं रीना नागपाल, मैं देहरादून की रहने वाली हूँ और मैं बचपन से ही बाबा को मानती हूँ। लेकिन जब मेरी 2002 में कालका में चंडीगढ़ के पास जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद यहाँ पर कोई मेरे ससुराल में बाबा को नहीं मानते थे। तो मैं अगर बाबा की पूजा करती थी तो वो मतलब बाबा का कहते थे कि ये पता नहीं किनको मानती है। तो लेकिन मेरा तो श्रद्धा भाव बाबा में बहुत था, लेकिन जब घर में इतना नहीं मानते थे तो फिर मैंने भी वहाँ, यहाँ मुझे मंदिर का भी नहीं पता था, कालका में साईं मंदिर कहाँ पर है, तो मैं घर में ही अपना थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया करती थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि 2012 में मुझे 2002 में मेरी शादी हुई थी, 2012 में मुझे पता चला कि हमारे कालका में भी साईं बाबा जी का मंदिर है। तो मैं 2012 में जब मुझे मंदिर का पता चला तो मैं इतनी खुश हुई कि हमारे कालका में भी, क्योंकि कालका एक छोटा सा वो शहर है चंडीगढ़ के पास, तो मैं सीधा ही साईं मंदिर गई कालका। और मैं बाबा से इतना, मतलब मैंने कहा कि मुझे मेरे बाबा मिल गए जो मैंने बचपन से, जिन्हें मैं मानती थी, और मेरे को शादी के बाद मतलब मैं उनको बिल्कुल मिल ही नहीं पाती थी क्योंकि मैं हर हफ्ते देहरादून में मंदिर जाया करती थी उनके। उसके बाद मैं रोज़ मंदिर जाने लगी और वीरवार को तो मतलब मैंने प्रसाद उनको चढ़ाना ही होता था और मैं स्नान भी कराती थी बाबा को वीरवार को। 2018 में मुझे इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई, मेरी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि मैं वीक होती गई और मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे कि मेरी प्रॉब्लम का डायग्नोज ही नहीं होता था। उसके बाद जब मैंने मतलब मेरे को डॉक्टर्स ने कहा कि इनको दिल्ली ले जाओ वहाँ पर निदांता हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर इनको चेक करवाओ तो वहीं पता चलेगा इनकी बीमारी के बारे में। तो वहाँ पर चेक करवाया तो मेरा लीवर 40% वर्क कर रहा था उस टाइम। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी लाइफ तो रिस्क है, किसी भी टाइम इनको मतलब कुछ हो सकता है। तो 2018 में मेरे को डायग्नोज हुई लीवर की प्रॉब्लम कि मेरा लीवर 40% ही रह गया था। तो उसके बाद मेरे प्लेटलेट्स डाउन चले गए, सारे टेस्ट डाउन, क्योंकि पहले मुझे कुछ नहीं हो रहा था, पता नहीं कब से अंदर प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब मुझे पता चल गया तो मुझे टेंशन होने लगी। लेकिन उसके बाद मतलब मैंने डॉक्टर्स पर जाना ही छोड़ दिया और मैंने बाबा के आगे मैं इतना रोई कि मतलब मुझे इतनी क्रॉनिक प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है। तो उस दिन से मैंने बाबा से कहा कि मैं डॉक्टर्स के पास नहीं जाऊँगी और मैं आपकी उदी ही लूँगी, और आज आपको मुझे देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं एक बीमार हूँ, मतलब मैं बिल्कुल, मतलब मेरे प्लेटलेट्स भी डाउन रहते हैं लेकिन मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं सारे घर का काम करती हूँ, मैं शॉप पर भी बैठती हूँ, लेकिन मुझे मतलब मेरी प्रॉब्लम पता ही नहीं चलती, मेरी उदी से ही मैं ठीक रहती हूँ, ना मैं डॉक्टर्स को चेकअप कराने जाती हूँ, ना मैं कोई टेस्ट करवाती हूँ। और फिर उसके बाद 2019 में जब कोविड आया तो उस टाइम हमारे घर में सबको कोरोना हुआ, सब इतने बीमार हुए, लेकिन मैंने सबकी सेवा की। मुझे फीवर चढ़ा लेकिन वो मैंने एक भी कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई पैरासीटामोल नहीं ली, कुछ नहीं, बाबा की उदी से ही मैंने सबको संभाला और मेरे को कोई इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को क्रॉनिक डिजीज़ थी तो मुझे बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर सकती थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ और मैंने सबकी सेवा की अच्छे से। उसके बाद उन्हीं दिनों में मेरे साथ मिरेकल हुआ, हमारे पास उदी ख़त्म थी, उदी की मुझे बहुत ज़रूरत थी कि मेरे पास उदी नहीं है बाबा की, मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि मंदिर बंद हो चुके थे तब, कहीं नहीं जाने देते थे। तो वहाँ देखा तो मेरे मंदिर में उदी की डब्बी अपने आप ही भर गई, उदी बाबा ने मेरे लिए उदी अपने आप ही मतलब प्रकट कर दी वहाँ पर ये। और अभी 2 महीने पहले की बात है, कनाडा मेरा बेटा गया है स्टडी के लिए, तो उसका फाइनल रिजल्ट था और उसको वहाँ पे थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो अपनी असाइनमेंट सबमिट कराना भूल गया, उसने डॉक्टर्स के पास उसका चेकअप हुआ, वो असाइनमेंट उसकी मिस हो गई थी, उसने वहाँ पे प्रिंसिपल को, कोऑर्डिनेटर को, सबको मैसेज डाल दिए, लेकिन कोई नहीं माना, कहते कि तुम्हारा 2 साल की स्टडी थी सब ज़ीरो हो गई है क्योंकि तुमने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई। और वो इतना ब्रिलियंट चाइल्ड, उसके 82% मार्क्स थे लेकिन एक असाइनमेंट के लिए उसका फ्यूचर सारा ख़राब हो गया। तो इतनी टेंशन, अभी उसका फाइनल रिज़ल्ट आना था तो मैंने बाबा को कहा कि ऐसी कैसी परीक्षा ले रहे हो, हमने इतनी मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा है और आपने ऐसे एक असाइनमेंट के लिए, आपको पता था कि बेटे की तबीयत ख़राब है तो क्या। और अभी उसका 15 दिन पहले ही रिज़ल्ट आया है,
पता नहीं बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है और इतने अच्छे उसके मार्क्स आए हैं और वो प्रॉब्लम भी असाइनमेंट वाली भी सॉल्व कर दी बाबा ने। तो फिर मैं शिरडी मथा टेकने आई बाबा को। बहुत एक्सपीरियंस है बाबा के मेरे साथ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बाबा मुझे पहले ही मैसेज में सब कुछ बता देते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। लोगों को क्या संदेश देना चाहती हूँ? मैं लोगों को मतलब मैं सारे साई भक्तों को यही कहती हूँ कि कभी भी अपना मन डावाडोल ना करे। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी कितनी भी कठिन मुसीबत हो, लेकिन बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि हमारा भक्त मतलब परीक्षा में सफल होता है कि नहीं। लेकिन हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए और बाबा के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा सबूरी बना के रखनी चाहिए। ओम साईं राम, जय साईं राम, ओम साईं नाथ महाराज की जय।